बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन दोबारा से हम बात करेंगे लालची लोगों के मौसने पाकिस्तान और मोटिवेशनल स्पीकर राजा रियाज के, दो नंबर मलिक रियाज की। अच्छा, दो नंबर मलिक रियाज के मुतल्लिक ये कहा जाता है जी वो देखिए मलेशिया में दियारे गैर छोड़ गया, पाकिस्तानियों के मुतल्लिक उनकी फ्लाह बहबूद के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन आज हम जिस तरह मुसलसल पर्दा चाक करते जा रहे हैं ये आज इसकी समझ लें कि पोस्टमार्टम पार्ट थ्री है कि माजी में सैफुर्रहमान खान नियाज़ी के मुतल्लिक तो ये कहा जा रहा है जी वो दियारे गैर में रहा 20-22 साल 24 साल, लेकिन यहाँ पे जो कारनामे सैफुर्रहमान खान नियाज़ी करके गया हम उससे पर्दे उठाते रहेंगे। जिस तरह हमने मुल्तान की डकैती का बताया, आज हम प्रोग्राम में आगे चल के मुल्तान के एक और ऐसे शख्स के मुतल्लिक बताएंगे कि जो सैफुर्रहमान खान नियाज़ी भी दंग रह जाएगा कि 1996 की स्टोरी इनके पास कहाँ से आन पहुँची। फिर आज हम अहमद वरियाज से कुछ सवालात और भी करेंगे, हमारे माजी जो गुज़श्ता प्रोग्राम के सवाल थे वो तो हैं ही हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में सवाल एक दो और नए हैं। बेसिकली ये तमाम ख़ानदान, अहमद वरियाज हो गया, सैफुर्रहमान खान नियाज़ी हो गया, मलिक नवीद हो गया, ये तमाम जितने भी लोग हैं ये अंदर से एक हैं। इन्होंने आपका पैसा कहाँ पर छुपाया है ये मैं बताऊँगा। कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था लाकर था एक बैंक में, आज मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो लाकर किस बैंक में था, कौन सा बैंक ऐसा था जिसमें सैफुर्रहमान खान नियाज़ी का लाकर था, उस लाकर को खुलवाया कैसे गया हम आपको सीसीटीवी वीडियो दिखाएंगे, उस लाकर में से जो चीज़ें निकाली गई वो चीज़ें अब कहाँ पे छुपाई गई हैं ये अहमद वरियाज आप बताएंगे, सैफुर्रहमान खान नियाज़ी आप बताएंगे या हम बताएँ कि उसके ऊपर अब जिस तरह वो कहते हैं कि सांप बन के कौन बैठा हुआ है ये आप लोग बता दें, क्योंकि हमारा काम यही है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जो गरीबों का पैसा आप लोगों ने बटोरा है, आपने लोगों ने लूटा है, उस पैसे को वापस उन तक पहुंचाना। प्रोग्राम में आगे चल के हम आपको इटली का एक सबूत दिखाएंगे। कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि सैफुर्रहमान खान नियाज़ी इटली गया था, इटली से क्यों भागा था, आगे चल के वो चीज़ भी बताएंगे। FIA के कौन से ऑफिसर ने उस वक्त इंक्वायरी की थी, कितनी रकम के लेन देन का तनाज़ा था, सैफुर्रहमान खान नियाज़ी तारक खान के नाम से बाहर गया था फिर वापस आया फिर नाम चेंज हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सिर्फ इस वजह से कि जो लालची लोग कहते हैं ये मौसने पाकिस्तान है, लेकिन इस मौसने पाकिस्तान का 1990 से लेके आगे तक जो 2004-05 तक जो इसकी रियलिटी है वो किसी को मालूम नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान से भाग के गया था। क्यों भाग के गया था ये हम आपको बताएंगे, हम आपको सबूत दिखाएंगे, चीज़ें दिखाएंगे। आज आपको जिस तरह मैंने अहमद वरियाज से कहा था कि आपके पास इस आपके साथ एक और अनायत नामी लड़का है, वो अहमद वरियाज और एक और किरदार अब सामने आ गया है जिसका नाम है उस्मान, ये भी इंतहाई अहम किरदार है। इन लोगों को मालूम है कि सैफुर्रहमान खान नियाज़ी ने रकम कहाँ पे छुपाई है, अहमद वरियाज ने रकम कहाँ पे छुपाई है, कौन वहाँ पे सांप बनकर बैठा हुआ है, ये लोग वो रकम नैब को क्यों नहीं देते, ये वो लोग रकम जो B4U के गरीब मेम्बरान हैं उनको क्यों नहीं देते, ये बहुत से सवालात हैं। नाजरीन आपको आज एक प्रूफ हम और दिखाते हैं, इटली का ये प्रूफ है, और खैर उस प्रूफ से पहले हम आपको थोड़ी सी सैफुर्रहमान खान नियाज़ी की एक और असलियत दिखाते हैं उनकी अपनी ज़ुबानी। ये जरा एक वॉइस नोट है, इसको गौर लगा के आप सुनिएगा ये क्या फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब, कैसे हैं? मेजर साहब सबसे पहली बात ये है कि अगर आप दोस्तों को मेरे सामने बैठा देंगे, हम चाय कॉफी या खाना खा लेंगे, तो 80% उनके क्वेश्चन वैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही होता है कि वाकई कंपनी का ओनर भी है, कंपनी एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि यहाँ लोगों की बदबख्ती है कि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो किसी कंपनी में नहीं हुई, वेबसाइट्स में हुई है, और वेबसाइट में जब इन्वेस्टमेंट होती है आपको ये भी नहीं पता था कि ये वेबसाइट कितने घंटे चलेगी, कितने दिन चलेगी या कितने हफ्ते चलेगी। फिर उन वेबसाइटों पे कुछ लोगों की तस्वीर होती है भागोड़ों की, और वो गोड़ों की होती भी नहीं, हो पता नहीं, हो सकता किसी भी बंदी की वेबसाइट हो, हो सकता है आपके पड़ोसी ने वो वेबसाइट बनाई हुई हो, लेकिन आप उसके ऊपर गोड़ों की तस्वीर लगा के आपको बैंक को बनाया जा रहा हूँ। पाकिस्तान की बदबस्ती सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि एशियन कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन सबकी बदबस्ती है कि हम लोगों में गुर्बत का रेशो ज्यादा है, और हम रात को रात अमीर बनना चाहते हैं, और अमीर बनने के लिए जितनी भी MLM कंपनीज होती हैं, फार्माई की कंपनीज होती हैं, गोरे होते हैं, जो भी लोग होते हैं, स्कैमर होते हैं, वो सब एशियन कंट्रीज का रुख करते हैं, यूरोप में फ्रॉड नहीं होते। अच्छा जी, ये खुद फरमा रहे हैं कि वेबसाइट और कंपनी, सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब आपकी भी कंपनी नहीं थी, आपकी भी वेबसाइट थी, आपने तो कहा था मैं एयरलाइन ला रहा हूँ, आपने कहा था रिवॉल्ट बाइक, आपने कहा था ब्रावो सुपर स्टोर, कॉमेट बस सर्विस, क्या क्या आप खुद इस वॉइस नोट में कह रहे हैं कि एशियन कंट्री के लोग गरीब होते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, यानी कि आप नुसरबाज हैं, आपने नुसरबाजी की थी, आप अपनी जुबानी मान रहे हैं कि
पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। ये वॉइस नोट बहुत लंबा है, इसके कुछ हिस्से आहिस्ता से चल के सुनाएंगे आपको, लेकिन आप ये देख लें कि एक बंदा जो लालची लोगों का मौसम पाकिस्तान है, माजी का कितना बड़ा फ्रॉडी है, ये असलियत आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको नाज़रीन एक ऐसा सबूत दिखा रहे हैं कि वो सबूत आप के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वो सबूत क्या है, क्योंकि सैफुररहमान खान न्याजी साहब ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ये आप इटली का ये देख रहे होंगे कि इसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1971 लिखी है, मोहम्मद तारिक खान पाकिस्तान, ये इटलियन अटालियन जुबान में है ये सारा कुछ। और ये दो चीज़ें ये आप देख लें कि मोहम्मद तारिक खान, अच्छा ये जी एक सबूत था। अब मलेशिया का सबूत आपने देख दिया, अब इटली का ये सबूत आप देख लें। और इसमें सैफुररहमान खान न्याजी इटली से भागे क्यों थे, मोहम्मद तारिक खान के नाम से वहाँ पे थे। हुआ कुछ यूँ था कि सैफुररहमान खान न्याजी ने वहाँ पे कुछ किया था फ्रॉड 2 करोड़ रुपए का, ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, बावसूक जराए से मुझे ये चीज़ें मिली हैं, और ये दावे से कह रहा हूँ कि सैफुररहमान खान न्याजी ने वहाँ पर किया था 2 करोड़ रुपये का फ्रॉड। और उसके बाद हुआ ये कि ये लोग, इनके खिलाफ इंक्वायरी आई, डॉक्टर अतर वहीद उस वक्त एफआईए के ऑफिसर थे, आजकल वो एफआईए के तर्जमान हैं। आप लोगों को डॉक्टर अतर वहीद का, आप एफआईए की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से नंबर लें, आप डॉक्टर अतर वहीद से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको मोहम्मद तारिक खान, ये बहुत ही ज़्यादा एक 2 करोड़ रुपये का लेन देन था उस ज़माने में, यानी कि 1996-98 की बात है, 2000 की बात है। डॉक्टर तारिक अतर वहीद जो है वो इस मुतलिक आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आप खुद दंग रह जाएंगे कि यार ये लालची लोगों का मौसम पाकिस्तान वाकई माजी में भी नौसरबाज था, और ये मलेशिया में रह के भी नौसरबाजी करता रहा, ये सबूत भी हम आपको दिखाएंगे। अब नाजरीन आपको एक और चीज़ बता दें, सैफुररहमान खान न्याजी साहब आप हमारे सवाल के जवाब नहीं दे रहे, अहमद वरियाज साहब आप हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे, तो जब आपकी हियरिंग होगी तो हमारे यही सवाल आपको वहाँ पर भी हमने करने हैं। सैफुररहमान खान न्याजी साहब आपके साथ, अगर आपको याद हो कि ना याद हो, तुम्हें याद है ज़रा ज़रा, लेकिन हमें बहुत कुछ याद है, मुल्तान में एक टांग से माजूर शख्स आपके गैंग का हिस्सा था, आप वो बताएंगे कि वो माजूर शख्स अभी भी मुल्तान में है, वो कौन है आप बताएंगे, या हम तस्वीरों के साथ बता दें कि जनाब ये मौसू की वो तस्वीर है 1996-97 की, जब इन्होंने मुल्तान में डकैती की थी। और क्या ये भी बता दें कि जब आपने एक सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल किया था, और हमने तो बहुत सी चीज़ें बता दी गुज़श्ता प्रोग्राम में, लेकिन बेसिकली सैफुररहमान खान न्याजी ने जो एक शराफत का पर्दा लबादा ओढ़ा हुआ है उसको चाक करना है, ताकि आप लोग जब तक सैफुररहमान खान न्याजी की बेल कैंसलेशन के लिए अदालत आलिया से रुजू नहीं करेंगे, जब तक इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे नहीं करेंगे, इसने आपको पैसे नहीं देने, मैं दावे से कह रहा हूँ अरबों रुपये का अभी भी सैफुररहमान खान न्याजी अहमद वरियास मालिक है, अभी भी इनके पास इस कदर बिटकॉइन है कि ये सिर्फ कुछ चंद हज़ार बिटकॉइन सेल आउट करके आपको रकम वापस दे सकते हैं, लेकिन ये लालची लोग हैं, इनके अंदर हवस भरी हुई है, ये नहीं चाहते कि जो पैसा हमारे पास आया वो हम रिटर्न बैक करें। अच्छा आपको एक और बात बताएं कि जो उस्मान का किरदार है, अच्छा मैंने आपको कल लॉकर का एक बताया था, सैफुररहमान खान न्याजी साहब आपका वो लॉकर था बैंक अल्फला में, अब ब्रांच आप बताएंगे या वो भी मैं बताऊं, और वो लॉकर कैसे खुलवाया गया, किस किस ने खोला, उस्मान का किरदार क्या था, नसरीन अनवर का किरदार क्या था, अहमद वरियास का किरदार क्या था, अनायत का किरदार क्या था, ये सारी चीज़ें आप लोग बताएंगे या वो भी मैं बताऊं, और मैं ये भी बता दूं कि आपने पैसे कहाँ पे छुपाए हुए हैं, क्योंकि अहमद वरियास सैफुररहमान खान न्याजी ये मुसलसल एक हैं, ये आपस में रबते में भी हैं, और ये नहीं चाहते कि हम लूटी हुई रकम आवाम को वापस करें, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। और आप लोगों को सैफुररहमान खान न्याजी ने एक और मनसूबा बनाया, 20 मई के बाद वो मनसूबा मंजर आम पर आएगा, लेकिन शायद हम आपको उससे पहले भी बता दें। ये सवालात थे डॉक्टर अतर वहीद से, आप लोग पूछ सकते हैं कि तारिक खान 2 करोड़ रुपये की इंक्वायरी, अहमद वरियास, उस्मान, अनायत, हाकम न्याजी, मलिक नवीद, फिर नसरीन अनवर, ये वो नाम है कि जो ये पूरा एक गेंग है। अभी कुछ नाम हमने खुफिया रखे हैं, वो भी आने वाले प्रोग्राम्स में आपको बताएंगे। हमने मलेशिया का सबूत चला दिया, इटली का सबूत आप देख लें, फिर 2 पासपोर्ट जो बनवाए थे वो भी सबूत आपको दिखा दिया आहिस्ता आहिस्ता। अब जो मुल्तान का एक माजूर शख्स है, एक टांग से माजूर है, वो सैफुररहमान खान न्याजी आप खुद बता देंगे, या हम फिर जब आप एहतसाब अदालत में आए तो हम आपसे सवालात की बौछार कर दें, ये कौन है, ये कौन है। अहमद वरियास
आप बताएंगे कि आप अभी तक जिन लोगों के साथ मिलकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो इतनी दौलत आपने इकट्ठी की है गरीब मेम्बरान की, आप उनको वापस क्यों नहीं लौटाते? आप तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में कहते हैं जी मैं तो बेकसूर हूँ, मुझे तो मालूम नहीं है। आपकी वीडियो है जिसमें आप बिटकॉइन के मतलब बता रहे हैं, वो बी फॉर यू की वीडियो है। अभी और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखेंगे, लेकिन सैफुररहमान खान नियाज़ी का जो अगला प्लान है जो 20 मई के बाद लॉन्च होना है, उसके चक्कर में मत आइएगा, नहीं तो आप मजीद अपने पैसों से महरूम हो जाएंगे। जिस तरह एक्टिवेशन चार्जेस की मद में आप महरूम हुए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।